हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टिप शेयर करना चाहता हूँ जो हमें धीरे धीरे बोलने के लिए याद दिलाएगा। तो इसमें क्या करना है, आप एक पर्ची ले लीजिए या स्टिकी नोट और उसके ऊपर लिख लीजिए कि मुझे धीरे धीरे बोलना है, मुझे हर एक सेंटेंस के पहले मुंह से सांस लेकर बोलना है, मुझे हताश नहीं होना है और मैं आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश करूंगा और उस पर्ची को अपने पॉकेट में रखिए, जेब में रखिए। उसको दिन में हर 1 घंटे के बाद खोलकर पढ़िए और उसको अपने दिमाग में सोचें। उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे, दिन में 5 बार, 7 बार, 10 बार, तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि हमें धीरे बोलना है, हमें सांस लेकर बोलना है, हमें एक सांस में 3 से 4 शब्द बोलने हैं। तो उससे हमारे दिमाग में सिग्नल जाएगा। तो सिग्नल जाने से धीरे धीरे, जो कि हमें तेज बोलने की हैबिट है, वो एकदम तो बदलेगी नहीं। तो उसको बदलने के लिए हमें हमारे दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये पर्ची को अपनी पॉकेट में रखिए और उसको दिन में जितनी बार हो सके, अलार्म भी लगा सकते हैं, घंटे का, 2 घंटे का, उसको केवल पढ़िए। अगर ऐसा करने से दिन में एक भी बार आपको याद रह पाया कि धीरे बोलना है या हताश नहीं होना है, तो इसका मतलब पर्ची ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो डेली आप अगर इसको लगातार करेंगे तो ज़रूर वो पल आएगा जब आपका दिमाग आपको खुद ब खुद याद दिलाएगा कि धीरे बोलना है, हताश नहीं होना है। तो इस प्रैक्टिस को आप कीजिए और हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन में दिक्कतें सभी के साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो आप प्रयास करते रहिए और ऐसे ही और छोटे छोटे टिप्स मैं लेकर आऊँगा और आप लोग कोशिश करते रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।